पाकिस्तान में औरत होने की हैसियत से महफूज नहीं हूँ। पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब के लिए है, ताकतवर को कोई सज़ा नहीं मिलती। ऐसा कहना है पाकिस्तानी अदाकारा आमना इलियास का। इस हवाले से आपको अपडेट देंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हर लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अपडेट्स हासिल करें। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, चैनल में आपको वेलकम करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की मशहूर ड्रामा इंडस्ट्री की अदाकारा और मॉडल आमना इलियास ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि कानून ताकतवर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि कानून तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। इस बारे में आपको मुकम्मल डिटेल्स के साथ अपडेट्स देंगे आज की इस वीडियो में। आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी अदाकारा आमना इलियास ने वहीद हैदर के साथ अपनी हालिया कॉमेडी फिल्म मस्तानी, जो पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है, इस हवाले से सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और अपने किरदार के हवाले से उन्होंने बात की है। अदाकारा ने कहा कि इस फिल्म में उन्होंने आलिया नामी चंचल लड़की का किरदार अदा किया था। अपने किरदार के हवाले से बात करते हुए अदाकारा ने कहा कि इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया है जिसने ज़िंदगी में कोई दुख नहीं देखा, जिसने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी है और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को आज़ाद तौर पर जिया है। अदाकारा का कहना है कि इस फिल्म के किरदार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि आपने पाकिस्तान और भारत में जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए केसेस तो देखे होंगे, इन हवाले से आपका क्या कहना है। तो इस पर अदाकारा ने कहा कि बेशक पाकिस्तान और भारत में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अदाकारा ने कहा कि पाकिस्तान में एक औरत होने की हैसियत से मैं बिल्कुल भी ख़ुद को महफूज नहीं समझती। अदाकारा ने इसके साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, ताकतवर लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि खुदा खास्ता अगर मुस्तकबिल में मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है और सामने वाला इंसान मेरे से ज़्यादा ताकतवर है या किसी ओहदे पर फाइज है, तो मुझे इस मुल्क में कैसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस मुल्क का कानून तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। अदाकारा ने इसके साथ ये भी कहा कि हमारे मुल्क में तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते, चंद मर्द जानवर होते हैं या दिमागी मरीज होते हैं जिनकी वजह से माशरे के सारे मर्द बुरे बन जाते हैं। अदाकारा ने इसके हवाले से मज़ीद कहा कि हमारे मुल्क में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। आप नूर मुकदम केस की ही बात कर लें कि इस केस का मुलजिम कैसे जेल में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि नूर के वालदैन को तारीख पे तारीख दी जा रही है। अदाकारा ने कहा कि मैं पाकिस्तान के इक्तदारों के से ये बात करना चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करें और पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से बाहर निकालें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो जानकर आपको कैसा लगा? पाकिस्तानी अदाकारा आमना इलियास ने जो बात कही, इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों ने महसूस की है और आप इस बारे में क्या राय है, ये आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नए एक्टर के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहें, अल्लाह हाफिज़।